और चलिए आगे बढ़ते हैं। यूपी में बदला जाएगा प्रदेश अध्यक्ष। जी हां, देखिए स्वतंत्र देव सिंह अब मंत्रिमंडल में जाने वाले हैं और ऐसे में अब प्रदेश अध्यक्ष को बदला जाएगा। तो कैबिनेट मंत्री बनाए जा सकते हैं स्वतंत्र देव सिंह, और इसीलिए ये कहा जा रहा है कि अब देखिए किस तरीके से, क्योंकि अभी तक वो प्रदेश अध्यक्ष थे और ऐसे में अब मंत्रिमंडल में वो जाएंगे, कैबिनेट मंत्री बनाए जा सकते हैं। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं स्वतंत्र देव सिंह को लेकर, यूपी में बदला जाएगा प्रदेश अध्यक्ष। एक और बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता दें, सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर मिल रही है, सुरेश खन्ना विधानसभा अध्यक्ष नहीं बनेंगे, सुरेश खन्ना को कैबिनेट मंत्री बनाया जाएगा। तो बड़ी खबर आपको बता दें, सुरेश खन्ना को सीएम आवास बुलाया गया, और इस बीच ये बड़ी खबर आ रही है जहां कहा जा रहा है कि विधानसभा अध्यक्ष नहीं बनेंगे सुरेश खन्ना। साथ ही आपको बता दें कि कैबिनेट मंत्री बनाया जाएगा सुरेश खन्ना को। तो देखिए कई नाम सामने आ रहे थे किसको किसको कैबिनेट में जगह मिलेगी, और ऐसे में माना जा रहा है कि सुरेश खन्ना का नाम इस कैबिनेट में, योगी 2.0 के नए कैबिनेट में इनकी जगह पक्की हो गई, और यही वजह है कि इन्हें आवास पर भी, जी देखिए सीएम आवास पर इन्हें बातचीत के लिए, चर्चा के लिए बुलाया गया है। तो बड़ी खबर बड़ी अपडेट आपको दे रहे हैं, क्योंकि इससे पहले कहा जा रहा था कि सुरेश खन्ना विधानसभा अध्यक्ष बनाए जा सकते हैं, ये माना जा रहा था, लेकिन अब ये कहा जा रहा है कि सुरेश खन्ना को कैबिनेट मंत्री बनाया जाएगा। योगी के शपथ ग्रहण समारोह से पहले लखनऊ में होने वाली टी पार्टी कैंसिल, योगी के संभावित मंत्रियों के साथ चाय पर होने वाली थी चर्चा। नई योगी कैबिनेट में योगी के साथ 40 से 45 मंत्री ले सकते हैं शपथ, करीब 24 मंत्री कैबिनेट में हो सकते हैं शामिल। यूपी में डेप्यूटी सीएम के नाम पर अभी भी तक मंथन जारी है, सूत्रों के मुताबिक केशव प्रसाद मौर्य, दिनेश शर्मा भी रेस में शामिल। सूत्रों के मुताबिक निषाद, पार्टी के संजय निषाद भी डिप्टी सीएम की रेस में शामिल, बेबी रानी मौर्य को भी बनाया जा सकता है डिप्टी सीएम। योगी मंत्रिमंडल में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाई जाएगी, 7 महिलाएं भी मंत्री पद की शपथ ले सकती हैं। यूपी में मुलायम की छोटी बहू अपर्णा को मंत्री बनाया जा सकता है, अदिति सिंह को भी मिल सकता है मंत्री पद। लखनऊ में अदिति सिंह का बयान, कहा पार्टी जो भी जिम्मेदारी देगी उसे निभाऊंगी, महिलाओं की भागीदारी इस बार बढ़ सकती है। बीजेपी विधायक दयाशंकर सिंह का बड़ा बयान, कहा पार्टी कहेगी तो मंत्री जरूर बनूंगा, हर जिम्मेदारी उठाने के लिए तैयार। योगी मंत्रिमंडल में सभी जातियों की भागीदारी का भी रखा जाएगा खास ध्यान, योगी के नए मंत्रिमंडल में 11 ठाकुर 11 ब्राह्मण को मिल सकती है जगह। योगी मंत्रिमंडल में 10 ओबीसी 5 जाट 3 यादव 3 गुर्जर 14 दलित और 5 वैश्य को हो सकते हैं शामिल, 3 भूमिहार 2 मुस्लिम मंत्री पद भी दिए जा सकते हैं। योगी मंत्रिमंडल में ब्यूरोक्रेट्स को भी मिलेगा मौका, राजेश्वर सिंह, असीम अरुण और एके शर्मा को मंत्रिमंडल में दी जा सकती है अहम जिम्मेदारी। योगी सरकार 2 में पीएम मोदी के गुजरात मॉडल की दिखेगी छाप, अगले 15 साल तक यूपी के विकास के सपने को साकार करने वाले मंत्रिमंडल का होगा गठन। यूपी में बदला जाएगा प्रदेश अध्यक्ष, स्वतंत्र देव सिंह कैबिनेट मंत्री बनाए जा सकते हैं स्वतंत्र देव सिंह। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ की आज दोबारा ताजपोशी, शाम 4 बजे होगा शपथ ग्रहण समारोह। 5 साल के सफल कार्यकाल के बाद यूपी के सत्ता में योगी की वापसी, 37 सालों का मिथक तोड़कर योगी दोबारा बन रहे मुख्यमंत्री। योगी सरकार 2.0 शपथ समारोह लखनऊ के कान्हा स्टेडियम में होगा, समारोह में भव्य बनाने की तैयारियां पूरी। शपथ समारोह को लेकर लखनऊ में कान्हा स्टेडियम को दुल्हन की तरह सजाया गया है, स्टेडियम के आसपास के एरिया को खूबसूरत फूलों से सजाया गया। योगी के शपथ ग्रहण समारोह के लिए खूबसूरती से वॉल पेंटिंग की गई है, इकाना स्टेडियम के बाहर भव्य गेट बनाया गया। योगी के शपथ ग्रहण समारोह को लेकर लखनऊ के 130 चौराहों को भगवामय किया गया है, मोदी योगी नड्डा शाह जैसे बड़े नेताओं के कट आउट से पटा है पूरा शहर। सीएम योगी के दोबारा शपथ ग्रहण को लेकर बीजेपी कार्यकर्ता खासे उत्साहित, तो बीजेपी कार्यकर्ताओं ने मंदिर में की पूजा अर्चना। लखनऊ में शपथ ग्रहण समारोह के लिए पुलिस तैयार, शहर के प्रमुख मार्गों की ट्रैफिक व्यवस्था में किया गया बदलाव। सीएम योगी के शपथ ग्रहण में लगेगा नेताओं का तांता, शपथ ग्रहण में पीएम मोदी और अमित शाह भी होंगे शामिल। योगी के शपथ ग्रहण समारोह में करीब 1.5 घंटे रुकेंगे पीएम मोदी, सूत्रों के हवाले से खबर, दोपहर 3:30 बजे लखनऊ पहुंचेंगे पीएम। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा और राजनाथ सिंह भी योगी के शपथ ग्रहण में होंगे शामिल, शपथ ग्रहण समारोह में केंद्रीय मंत्रियों का लगेगा जमावड़ा। यूपी में शपथ ग्रहण समारोह में 12 राज्य के मुख्यमंत्री और 4 डेप्यूटी सीएम को भेजा गया है निमंत्रण, बाबा रामदेव भी होंगे शामिल।
योगी के शपथ ग्रहण में शामिल होंगे अमिताभ बच्चन। शपथ ग्रहण समारोह के लिए अमिताभ बच्चन को भेजा गया न्योता। बॉलीवुड से सिर्फ अमिताभ बच्चन को न्योता। योगी आदित्यनाथ के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे बिहार के सीएम नीतीश कुमार। बिहार के दोनों डेप्यूटी सीएम भी साथ रहेंगे। योगी के शपथ ग्रहण में लगेगा विपक्ष के नेताओं का मेला। सोनिया, मुलायम, मायावती समेत कई विपक्षी दलों के नेताओं को भेजा गया न्योता। शपथ ग्रहण से पहले योगी ने निजी तौर पर दिया अखिलेश, मायावती और मुलायम सिंह को आने का न्योता। योगी आदित्यनाथ ने फोन कर किया सभी को आमंत्रित। योगी आदित्यनाथ के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल नहीं होंगे अखिलेश। सफाई में रहेंगे एसपी प्रमुख अखिलेश यादव।